सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों, एज पर आवर स्केड्यूल आज है हमारी बिजनेस स्टडीज की क्लास और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंतिम पड़ाव तक हम पहुंच गए हैं। जी हाँ बच्चा लोग, हम लोगों ने ऑलमोस्ट इस चैप्टर को पढ़ लिया है। हमारे बस गिनती के दो ही टॉपिक यहाँ पर बचे हैं, जिसमें एक टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आज की क्लास थोड़ी सी आपकी छोटी ही रहेगी क्योंकि हमारा फोकस आज सिर्फ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर ही है, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि कोऑर्डिनेशन। हर साल कोऑर्डिनेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, तो मुझे उसको आपको सेपरेटली ही पढ़ाना है कि कल को जब आप कभी दोबारा से पढ़े और आपको सिर्फ कोऑर्डिनेशन पढ़ना है तो आपको सिर्फ कोऑर्डिनेशन की वीडियो मिले। तो इसलिए उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसके ऊपर ज्यादा हम फोकस करेंगे। तो आज हम सिर्फ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ही पढ़ने वाले हैं और इसी के साथ हम आज की अपनी क्लास को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं। So, बच्चों, जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी तो हमने यहां पर फोकस किया एक वर्ड पर जिसका नाम था मैनेजमेंट, और हमने जब उसके डेफिनेशन की तरफ गौर किया तो हमने पढ़ा दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। और हमें पता है कि प्रोसेस के अंदर कोई एक एक्टिविटी नहीं होती, कोई एक फंक्शन नहीं होता। जब हम बात करते हैं प्रोसेस की तो इसका मतलब है कि हमने प्रोसेस के अंदर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म किए। अब वो बहुत सारे फंक्शंस यहां पर कौन से थे? वो बहुत सारे फंक्शंस थे यहां पर 5। यानी कि जब आप मैनेजमेंट की प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आप यहां पर 5 फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हो। पर अभी उन फंक्शंस को बताने से पहले हम एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं, पहले उस एग्जांपल को समझते हैं, फिर उसके बाद हम कंसेप्ट पे आएंगे कि क्या है वो 5 फंक्शन। ठीक है, तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि बस जून आने ही वाला है। ठीक है, और जब जून आता है ना तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है कि यार छुट्टियां आने वाली हैं, गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं, खूब गर्मी पड़ रही है, किसी ठंडी सी जगह पे जाके अपनी छुट्टियों को एंजॉय करके आएंगे। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ पर जून आने से पहले ही अपने माइंड में कुछ प्लानिंग करने लगते हो कि यार हमें एक बहुत बढ़िया ट्रिप पर जाना है। ठीक है, तो यानी कि आपने अपने माइंड में कुछ सोचा। ठीक है, आपने अपने माइंड में कुछ सोचा कि यार कुछ करना है। क्या करना है? गर्मी की छुट्टियों में एक ट्रिप पर जाना है। अब ट्रिप पर जाना तो है, पर जाना कैसे है ये भी तो सोचना पड़ेगा। हमने ये तो सोच लिया कि हाँ यार ट्रिप पर जाना है, पर कैसे जाओगे भाई? आपने जहां भी जाने के बारे में सोचा, आज जैसे कि मैं दिल्ली के अंदर हूं, मुझे शिमला जाना है, तो मैं सोचूंगी ना कि यहां से वहां तक कैसे पहुंचा जाएगा। और पता है क्या, जब हम ये सोच रहे होते हैं ना कि यार ट्रिप पर जाना है, हम वहां पर घूमने जाने वाले हैं, तो आज ही हम अपने फ्यूचर में जो वो दृश्य होने वाला है ना, वहां पर वो जो हम एंजॉय करने वाले हैं, उसकी जो पिक्चर्स होती है ना, वो हमारे माइंड में आनी शुरू हो जाती है। यानी कि आज ही हम फ्यूचर की चीजों को इमेजिन करने लगते हैं, हमें लगता है कि हमने फ्यूचर यहाँ पर बैठे बैठे देख लिया है ना। चलो जी ठीक है, अब अपने माइंड में हमने देख लिया कि यार इस बार जून की छुट्टियों में बहुत एंजॉय करके आना है। ठीक है, अब ये तो सोच लिया कि जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन लेकर जाएगा, कौन क्या क्या काम करेगा भाई, टिकट्स बुक कहाँ से करेंगे, कौन हमारी टिकट्स बुक करके देगा, हमारे लगेज को कौन पैक करेगा, खुद तो हम करने वाले हैं नहीं, तो हमारी पैकिंग चेकिंग कौन करेगा, हमें शॉपिंग पे भी तो जाना है, शॉपिंग कौन करा के लेकर आएगा। और देखो भाई, किसी को भी अगर किसी ट्रिप पर जाना है ना, तो कुछ लोगों के कंधों पर कुछ जिम्मेदारियां सौंपनी पड़ती हैं, कुछ लोगों के हाथ में पावर भी देनी पड़ती है कि पैसा है, पैसे को कौन संभालेगा। किसी जिम्मेदार इंसान के हाथों में हम ये जिम्मेदारी देते हैं कि यार देखो ये पैसा है, इस पैसे को संभाल के रखना है, पूरी ट्रिप पर हमें इसको यूज करना है। तो भाई एक जो भी पर्सन हमें रिस्पॉन्सिबल लगेगा उसके हाथों में हम ये पावर देंगे कि जहां जहां खर्चा होगा तुम वहां पर ये पैसा देना। इसका मतलब हमें क्या करना है, लोगों को ड्यूटी देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, काम देना है ना। चलो अब तैयारी चल रही है पूरी हमारी गर्मी की छुट्टियों की ट्रिप की। अब उस पर भाई किस किस को लेके जाना है? जो भाई बढ़िया बढ़िया लोगों को लेकर जाना है, ऐसे लोगों को लेकर नहीं जाना जो हमारी गर्मी की छुट्टियों का सारा काम ही खराब कर दें, जो हमारा मूड खराब कर दें। ऐसे लोग नहीं चाहिए हमें जो बीच में परेशान करते रहे। बहुत बढ़िया लोग लेकर जाएंगे जो खुद भी इंजॉय करेंगे, हमें भी इंजॉय करने देंगे। तो किस किस को साथ लेकर चलना है, अब यहाँ पर हम उस चीज के बारे में सोचेंगे। चलो जी, अपनी एक पूरी टीम तैयार कर ली घूमने जाने के लिए, क्योंकि अकेले घूमने में क्या मजा, कुछ बहुत सारे लोग जब एक साथ घूमने जाते हैं तो ही मजा आता है। चलो जी ठीक है,
ट्रिप पर जा रहे हैं तो अकेले थोड़ी जाएंगे, लोगों के साथ जाएंगे। ओके जी, अब क्या होता है ना कि अगर हम कभी पहली बार किसी जगह पर जा रहे होते हैं, हमें उस जगह का अंदाजा नहीं होता, तो बीच में ना हमें हमारी टीम में, हमें हमारे लोगों में, ग्रुप में एक बंदा ऐसा चाहिए होता है जो हमें टाइम टू टाइम गाइड करता रहे, जो मैं टाइम टू टाइम बताता रहे, इंस्ट्रक्शन देता रहे कि देखो अब ध्यान रखना, अगर आप कार से जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा रूट फॉलो करना है, रेल से जा रहे हैं, रेलवे से जा रहे हैं तो कौन से स्टेशंस को आपको कंसिडर करके चलना है। तो वो टाइम टू टाइम आपको गाइड करता रहेगा, टाइम टू टाइम आपको बताता रहेगा कि अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, है ना, साथ साथ आपके साथ कम्युनिकेशन उसका चलता रहेगा। चलो जी ठीक है, ये भी हो गई। अब आप पहुंच गए हो, सोच लो अब आप पहुंच गए हो वहां पर अपने डेस्टिनेशन पर, खूब एंजॉय कर रहे हो, खूब मजा आ रहा है, खूब आपने अपनी ट्रिप को एंजॉय किया, अब वापसी आ रहे हो। जब वापसी आ रहे होते हैं ना तो कुछ आपस में डिस्कशन चल रहा होता है। कैसा डिस्कशन चल रहा होता है कि यार जब हमने सोचा था ना कि यहाँ पर घूमने जाएंगे तो हमने ना एक इस चीज के बारे में गौर नहीं किया, अगर हम ये सब चीजें सोच लेते ना तो शायद ये ट्रिप और भी अच्छी हो सकती थी। अच्छा ऐसा करेंगे, जब नेक्स्ट टाइम ट्रिप प्लान करेंगे ना तो पहले यहाँ पर ये सब चीजों को चेक कर लेंगे, क्योंकि क्या हुआ कि वो जब ट्रिप पर पहुंचे ना तो उनको रूम्स लेने में प्रॉब्लम हुई, उनको अकोमोडेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, या कहीं कहीं जगह पर फूड की प्रॉब्लम हुई। तो भाई नेक्स्ट टाइम पे हम ध्यान रखेंगे कि ना इन सब चीजों की हमें प्रॉब्लम ना हो, तो पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी आपने कुछ ना कुछ चीजें सोची। तो बच्चे आपको पता है ये जो आपने पूरी ट्रिप के बारे में सोच लिया ना, आपने मैनेजमेंट के पांचों फंक्शंस को परफॉर्म कर लिया। पता है कैसे? जब आपने ट्रिप के बारे में सोचा कि भाई वहां जाना है, कैसे जाना है, आपने प्लानिंग कर दी, ठीक है। जब आपने ये देखा कि यार देखो तुम टिकट बुक करके आना, तुम लगेज का ध्यान रखना, यहाँ पे तुम पैसों का ध्यान रखना, तो यहाँ पे तुमने ऑर्गेनाइजिंग कर डाली, ठीक। फिर उसके बाद जब तुम अपने पूरा ग्रुप बना रहे थे ना कि किस किस को लेकर जाना है साथ में, तो तुमने स्टाफिंग कर ली। फिर उसके बाद तुम्हारे बीच में से वो एक बंदा जो तुम्हें टाइम टू टाइम गाइड कर रहा है, तुम्हें टाइम टू टाइम कम्युनिकेट कर रहा है, भाई तुमने डायरेक्टिंग का फंक्शन भी परफॉर्म कर लिया। और लास्ट में जो तुम्हारा वो ग्रुप डिस्कशन चल रहा था ना कि नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, कंट्रोलिंग, पांचों फंक्शन कंप्लीट। अब मैनेजमेंट में इन फंक्शंस को कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो ये तो हमने अब अपने एग्जांपल से समझ लिया कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग क्या होता है। अब हमारी बिजनेस स्टडीज की बुक क्या कहती है इन पांचों फंक्शंस के बारे में, जरा इनकी कहानी भी अब हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो बच्चे देखो सबसे पहले हमारे पास प्लानिंग का फंक्शन है। देखो जब भी आप प्लानिंग के बारे में सुनो ना तो आप ये सोचे ना कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है, हमेशा थिंकिंग, प्लानिंग हमेशा सोच विचारों पर निर्भर करती है। और प्लानिंग हमेशा हम कब की करते हैं, मैं एक ट्रिप पर घूमकर आई हूं, क्या ये मेरी प्लानिंग है? ये तो पास्ट की बात हो गई ना। प्लानिंग कभी भी पास्ट के लिए नहीं होती, प्लानिंग हमेशा किस चीज के लिए होती है, प्लानिंग हमेशा किस चीज के लिए होती है, फ्यूचर के लिए। तो आप ये कह सकते हो कि प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है। तो प्लानिंग हमेशा आगे के बारे में आपको बताता है। तो देखो प्लानिंग इज, सो प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइंस इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, ये मेन वर्ड है इसके अंदर, व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन, क्या करना है, कैसे करना है, ये हमें प्लानिंग फंक्शन में आकर पता चलता है, ठीक है। इट इम्प्लाइज द सेटिंग गोल्स इन एडवांस, क्योंकि यहां पर हम अपने गोल्स को एडवांस में ही सेट कर लेते हैं। जैसे कि ये कह देना कि आने वाले 3 साल में हमें अपने कंपनी का मार्केट शेयर 40% तक करना है, तो ये आपने गोल अपने माइंड में ही सेट कर लिया है इन एडवांस। मुझे 12th के बाद CA करना है, मुझे 12th के बाद BCom करना है, ये आपने एडवांस में ही सेट कर लिया। व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, ठीक। एंड डेवलपिंग अ वे फॉर अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, और ये हमें वो रास्ता दिखाता है। भाई जब तुमने सोचा कि तुम्हें ट्रिप पर जाना है तभी तो तुमने रूट देखना शुरू किया ना, तो जब हमारे सामने गोल होता है तभी हमें पता चलता है कि उस गोल तक पहुंचा कैसे जाएगा, और कैसे पहुंचना उन गोल्स तक, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ये तो मैनेजमेंट की प्रोसेस कहती ही है, ठीक। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। जब यहाँ पे पता चल गया ना क्या करना है, कैसे करना है, तो दिस फंक्शन रिलेट्स टू दी
असाइनिंग ड्यूटीज। अब यहाँ पर भाई ड्यूटी देनी है, जिम्मेदारियां देनी है ना, तभी तो काम होगा। तो यहाँ पे ड्यूटीज दी जाती हैं, टास्क को ग्रुप किया जाता है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। एस्टैब्लिश की जाती है अथॉरिटी, किसी के कंधों पर अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है तो उसको हमें उसकी पावर भी देनी होगी, हमें उसको अथॉरिटी भी देनी होगी। फिर रिसोर्सेज एलोकेट करना ताकि उस प्लान को पूरा किया जा सके, ठीक है। एंड इट डिसाइड्स हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क। यहाँ पे हमने व्हाट और हाउ के बारे में कहा, क्या करना है कैसे करना है, बट ये कहता है कौन करेगा, कहाँ करेगा, कब करेगा। तो यहाँ पे आता है हु व्हेन एंड वेयर इट विल बी डन, कौन करेगा, कब करेगा और कहाँ करेगा, ठीक है। तो जब ड्यूटीज वगैरह पता चलती हैं तो ये सारी चीजों के आंसर्स अपने आप मिलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद स्टाफिंग फंक्शन रिलेट्स टू फाइंडिंग एंड पुटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। एक सही व्यक्ति एक सही जगह पर काम करे। भाई देखो, मैंने ट्रिप के अंदर जिसके हाथों में पैसे सौंपे, वो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता हो, जिसको समझ हो कि पैसों का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो लेकिन एक ऐसे बंदे के हाथ में अगर मैंने पैसे पकड़ा दिए जिसको जो खुद ही कोई नहीं संभाल पा रहा, तो पैसों को क्या संभालेगा, तो मेरा तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा ना मैनेजमेंट। तो स्टाफिंग फंक्शन ये कहता है कि भाई जिसके स्किल्स जिस चीज के रिगार्डिंग है, आप उसको वही काम सौंपो। जो जिस काम को करना चाहता है, जिसका स्पेशलाइजेशन जिस एरिया में है, आप उसको वही काम करने के लिए दो। अगर आप स्किल से मैच करता हुआ जॉब नहीं दोगे तो वो बंदा भी सफर करेगा और आपका ऑर्गेनाइजेशन भी सफर करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें करते हैं स्टाफिंग में, रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और भी बहुत सारी चीजें। उसके बाद अब जहां लोग होंगे ना, तो वहां उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन आता है हमारे पास फोर्थ नंबर में, जिसके अंदर हम लोगों को गाइड करते हैं, हम उनको लीड करते हैं, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो हमारी बात को मान लें। क्योंकि किसी से काम कराना एक बहुत बड़ा काम है, किसी से काम कराना ही बहुत बड़ा काम है, ठीक है। मोटिवेट करना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एम्प्लॉयज डीमोटिवेट हो जाते हैं या उनका एक नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है अपने काम के लिए। जैसे कई बार आप लोग भी क्या करते हो कि आपने बहुत मेहनत करी और लेकिन उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो कि यार जब नंबर आने ही नहीं तो पढ़ना क्यों है। बट उसके पीछे भी एक रीजन होता है, कभी डिस्कस करेंगे इस बारे में भी कि क्यों आपके नंबर नहीं आए और क्यों आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। तो टाइम टू टाइम मोटिवेशन मिलता रहता है उनके थ्रू। कम्युनिकेशन, यानी कि बिना बातचीत के तो बात बनेगी नहीं ना, तो कम्युनिकेशन चलता रहता है एम्प्लॉयज के साथ ताकि टास्क कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्शन होगा। अब जब डायरेक्टिंग हो गई तो भाई देखो कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। लास्ट में अंत में ये देखना यही जरूरी है कि जो हमने सोचा था क्या वो हुआ भी या नहीं हुआ। सो कंट्रोलिंग फंक्शन क्या करता है, इट इज अ मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है भाई, चेक कर रहे हैं हम, देख रहे हैं द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि हमने जो गोल स्टार्टिंग में सेट किया था क्या उस गोल तक हम पहुंच गए, क्या जो हमारे माइंड में हमने पहले से सोच लिया था कि यार यहां तक पहुंचना है, क्या हम वहां तक पहुंच पाए हैं या नहीं पहुंच पाए हैं। हमने 40% मार्केट शेयर इंक्रीज करने के बारे में सोचा था, कहां तक इंक्रीज कर पाए हैं। हो सकता है 35% तक पहुंचे हो, तो भाई 5% तक क्यों नहीं पहुंच पाए, क्यों कमी रह गई वो 5% की। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है कि वो 5% की कमी को पूरा करना है। तो ये कंट्रोलिंग है। तो अभी हम बहुत ज्यादा डिस्कशन इस पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके सेपरेट चैप्टर्स हैं, अपने अपने खुद के एक एक चैप्टर हैं, इनके इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं, तो वहां पे बहुत डिटेल में हमें ऑलरेडी इन्हें पढ़ना है। तो अभी फिलहाल यहां तक हमने इनको समझ लिया है कि क्या होते हैं, तो उतना ही हमारे लिए काफी है, ठीक है बच्चे। तो आज हमने कंप्लीट किया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट समझ आ चुके होंगे, ठीक है। तो आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कोऑर्डिनेशन आने वाला है, उसकी क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक आप यहाँ तक के नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए। देखो बिजनेस स्टडीज की क्लास को शॉर्ट रखने का रीजन एक और भी है कि
इसके बाद की मेहनत आपकी ज्यादा है। इसके बाद की मेहनत क्या है कि जब मैं पढ़ा देती हूँ आपको, प्लीज एक बार बुक को रीड जरूर करना है। सिर्फ ये नहीं कि हाँ ठीक है मैंने यहाँ पे जो लिख दिया आप उसे पढ़ रहे हो, ये सफिशियंट है, बट स्टिल एक बार एटलीस्ट आपको बुक को भी रीड करना है। अगर आपके पास NCERT है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसकी लाइन्स को रीड करिए। अगर आपके पास कोई और रेफरेंस बुक है तो एक बार वहां से भी टॉपिक को जरूर पढ़िए, ठीक है। पढ़ने के बाद जो उसके बीच में वहां पर आपको टेस्ट योर नॉलेज दे रखा होता है तो एक बार उसको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो, ताकि आपको पता चले कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है, ठीक है। सो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।